मैं नमन करता हूँ मित्रों, वो भारत माँ की बहुत की जमीन होगी मित्रों, झंडा कल फूकने नहीं। और अभी मैं अपने अध्यक्ष जय हिंद। मैं कमांडो राकेश रंजन। आज 22वां कारगिल विजय दिवस है, हम लोग मना रहे हैं। संघ के कार्यालय में तकरीबन 250 से 300 पूर्व सैनिक हम लोग इकट्ठा हुए हैं। कारगिल में शहीद हुए जितने भी हमारे आसपास में वीर नारी हैं, उनके परिवार हैं, हम लोगों ने उनको सम्मानित करके उनको एक रिस्पेक्ट देने का कोशिश किया है कि आपकी शहादत गलत नहीं गई है, आज भी हमारे दिल में आप हैं और सदियों तक याद रहेंगे। इसी को मद्देनजर रखते हुए उनको हमने सम्मानित किया है और कोशिश है कि उनको जितना भी उनका प्रॉब्लम हो सके हम लोग सॉर्ट आउट करें, उनके पास जा करके जो भी उनको बेनिफिट मिलना चाहिए उसके लिए हम लोगों ने उनसे पूछा है। कुछ लोग हैं जिनका चिट्ठी बनाना है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं मिला है उनको प्रॉफिट स्टेट से, राज्य से या सैनिक कार्यालय से, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और कोशिश है कि यह जो पर्व है, जो विजय दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं, हमारे लिए एक पूर्व सैनिक होने के नाते बहुत ही गर्व की बात है और हम लोग सालों साल इस विजय दिवस को मनाते रहेंगे। धन्यवाद, मना रहे हैं पूर्व सैनिकों को। आज पूर्ण रूप से हम लोग सैनिक आज 22वें कारगिल विजय दिवस पे एक फंक्शन मना रहे हैं और इस उद्देश्य से मना रहे हैं कि देश हमारा आगे प्रगति करे रहे। और कारगिल का अगर बात करें तो मैं उस युद्ध में शामिल था, टाइगर हिल से लेकर तोलोलिंग बटालिक तक, द्रास तक, कारगिल तक, हम लोगों ने सब देखा है। हम जिस तरह से धूल चटाए थे वो मुझे सब कुछ याद है। वाजपेयी जी का यात्रा भी याद है, वाजपेयी जी का यात्रा को वापस करना पड़ा था लेकिन हम लोगों ने दुश्मनों को वापस करके भेजा और फिर जीत हासिल की।